दोस्तों कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें इस बार क्या करना है एग्जैक्टली नहीं पता। दोस्तों पिछली बार जो आया था उस समय सब लोग आश्चर्य रह गए थे कि क्या करना है, लेकिन इस बार जो आया सबको मालूम है कि सैनिटाइजर कब लगाना है, मास्क कब पहनना है, लेकिन फिर भी कोरोना की रफ्तार दोगुनी क्यों है। दोस्तों इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजू कुमार, मैं ना ही कोई डॉक्टर हूं और मैं ना ही कोई साइंटिस्ट हूं। इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में वैसी बात नहीं बताऊंगा जो कि मेडिकल लाइन से जुड़ी हो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप ऐसा बताऊंगा जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपको कोरोना होने वाला भी होगा ना तो आपको नहीं होगा। दोस्तों और मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं मेडिकल लाइन की चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, मैं मेंटल लाइन की चीजें बताने वाला हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों पहला स्टेप है कि आप न्यूज देखना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों अगर आप न्यूज देखोगे तो कोरोना के आंकड़े सुन के आपके मन में डर पैदा होगा और बार बार आप सोचने लगोगे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और साइंस ये कहती है दोस्तों कि किसी भी चीज के बारे में अगर आप बार बार सोचते हो, बार बार टेंशन लेते हो, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम को 100% बढ़ा देता है। तो इसीलिए दोस्तों न्यूज देखना बंद कर दो। और दोस्तों दूसरा स्टेप है पहले स्टेप के रिलेटेड, क्योंकि अगर आप न्यूज देखते हो तो उसमें आपको सारे आंकड़े मालूम चलते हैं, आप डिमोटिवेट होते हो और आप दूसरे को भी डिमोटिवेट करने लगते हो। तो दोस्तों ये भी बात ध्यान देना कि नहीं आप खुद डिमोटिवेट आपको होना है और ना ही दूसरे को डिमोटिवेट करना है, क्योंकि दोस्तों कोरोना से मरे या न मरे लेकिन डर से जरूर लोग मर सकता है अगर वो डिमोटिवेट होगा तो। तो दोस्तों अगर आप न्यूज नहीं देखोगे, आप लोगों की बातों को नहीं सुनोगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे दोस्त, क्योंकि आप हैप्पी फील करोगे। और तीसरा स्टेप है दोस्तों कि आप हॉस्पिटल जाने से बचो। दोस्तों अगर आपको जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए हॉस्पिटल जाने के लिए, तब तक हॉस्पिटल मत जाओ दोस्तों, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की कमी है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे स्थिति में जाते हो तो उसका भी इलाज सही से नहीं हो पाता है, जिसका कि जान जोखिम में है दोस्तों। तो दोस्तों आप हॉस्पिटल जाने से बचें, जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना पड़ जाए तब तक आप हॉस्पिटल मत। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कोरोना से बचने के लिए 3 स्टेप बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और 3 स्टेप को फॉलो ज़रूर करना। दोस्तों क्या आप 3 स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।